सब्सक्राइब कीजिए इंडियन टेलरिंग को और घंटी पे दबाएं हमारी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज मैं आपको बताऊंगी ब्लाउज के पीछे की बैक डिजाइन। इसके लिए हमने ये बुकरम ली है, उसकी लंबाई है 11.5, चौड़ाई है 10.5। अब हम इसको डबल करेंगे बराबर करके। अब हम यहाँ से गले की चौड़ाई लेंगे 3 इंच की, गले की लंबाई लेंगे 3 इंच की, और इसमें हम यहाँ से गोलाई का शेप देंगे। एक एक इंच की बुकरम हम यहाँ पे रखेंगे। यहाँ से हमने जो लंबाई ली है 8 इंच की, और ये ऊपर जो गले की लंबाई है वो 3 इंच की है, और 3 इंच की हमने चौड़ाई ली है। अब इसके लिए हमें एक चौकुटा कपड़ा चाहिए। यहाँ पे हम गले में यहाँ पे गैप रखेंगे 1/2 इंच का। यहाँ पे एक सुई लगा देंगे जिससे हमारा गला बराबर रहे। अब इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। कपड़े की भी कटिंग करेंगे हम बुकरम के, जैसे हमारे बुकरम की कटिंग है। अब ये कपड़े को दबा के सिलाई लगाएंगे। अब इसको हमें बराबर करना है। यहाँ पे बीच में निशान लगा लेंगे कैंची का, और इसमें हमने यहाँ पे 1/2 इंच का गैप रखा है। और ये हमारा पीछे का पल्ला है तो यहाँ पे हम निशान लगाएंगे। अभी हमारा उल्टा है, उल्टे के ऊपर हमें दोनों निशानों को बराबर मिलाएंगे। यहाँ पे हम एक सुई लगा देंगे। अब हम बुकरम के नीचे सिलाई लगाएंगे। यहाँ से बुकरम के नीचे सिलाई लगानी है। अब हम ये कपड़े की कटिंग करेंगे। यहाँ पे और सिलाई लगा लेंगे। अब हम इसको आगे की शर्ट दबाते हुए सिलाई लगाएंगे। इसको हमें सीधा करना है।
इसको हम आगे की शर्ट दबा के सिलाई लगाएंगे। अब हमने टुकड़े किए हैं, इसकी जो चौड़ाई है 2 इंच की, लंबाई है वो भी 2 इंच की है। अब इसको हमें एक कुन्नी से इस तरीके से करना है और इसको हमें इस तरीके से यहाँ से हम आधा इंच छोड़ के लगाएंगे। अब इसके ऊपर हम लेस लगाएंगे। अगर हम इसमें डोरी लगाना चाहें तो डोरी भी लगा सकते हैं, अगर बटन लगाना चाहें तो बटन भी लगा सकते हैं। तो इसको हमें पहले इधर से, ये हमारा उल्टा है, उल्टे की लाइन से हमें यहाँ पे टांका लगाना है। अब हम यहाँ पे बटन लगाएंगे। ये बन गई हमारे ब्लाउज की पीछे की बैक डिजाइन। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।